सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे किसान के पास आ गए हैं जो कि वो उनके पास चक्की है या तेल पेरने वाली मशीन है और धनकुट्टी भी है। तो जो है वो सारा काम जो है अपना एक सोलर पैनल का प्लांट लगवाए हैं जो कि करीब 7-8 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट लगाए हैं तो उससे काम चालू भी कर दिए हैं उनका। तो आज उन्हीं के पास आए हैं तो उनका आज हम सारा प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं वहाँ पे भी पैनल लगा है। इनके पास ये लगभग कुल 32 पैनल लगे हुए हैं जो कि ये 7 से 8 लाख के करीब का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे उन्होंने क्या था, इनके पास जो है पहले इंजन से जो है चक्की तेल पेरने की मशीन चलाते थे। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सोलर पैनल से प्रयोग किया जाए। तो उन्होंने प्रयोग किया और सक्सेस भी हो गए हैं। तो इन्होंने मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये प्लांट लगवाए हैं अपने छत के ऊपर लगवाए हैं, करीब ये ऊपर का पैनल जो है हमको आपको जो दिखा रहे हैं यहाँ पे 12 के करीब ये पैनल लगा हुआ है और आपको यहाँ पे दिखाएंगे जो कि यहाँ पे 20 पैनल यहाँ पे लगा हुआ है जो कि ये करीब आज हमको 3-4 महीने हो गए इनको लगाए हुए और इन्होंने काफ़ी 7 महीने हो गए इसको लगाए हुए और ये इतना अच्छा वर्क कर रहा है कि आपसे क्या बताएं। और इनका सारा काम इसी से बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। और इन्होंने सबसे पहले क्या था कि उन्होंने डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक सोलर पैनल का प्रोजेक्ट लगा जाए। उन्होंने बात किया, बात करके जब इसको लगवाया तो लगवाने के बाद ये लगाए हैं। अब इनके पास जो है, आप ये बताइए कि आपके पास जो है कितने एचपी का मोटर जो रखे हैं, जो 15 एचपी का एक और मोटर रखे हैं हमने आपको देख के आया, वो 7.5 का है। 7.5 एचपी 15 एचपी का। ये बताइए उसको चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम अच्छा चलता है। ये बताइए कि जब आपने इसको लगवाया था तो ये कंपनी वाले आए थे इसको सेट करने के लिए? जी हाँ, उधर से आए थे सेट करने के लिए। अच्छा, तो ये क्या इसमें सावधानियाँ कुछ बता के गए होंगे? हाँ, जैसे कि इस पर मतलब कोई पत्थर उत्थर वगैरह बचा के रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखो इसको, तब अच्छे से चलता है ये। अच्छा, इसको मतलब साफ़ सफाई ऊपर से जो आप देख रहे हैं, इनका कहने का मतलब है जो लगाने के लिए प्रोजेक्ट आए थे उन्होंने कहा था कि इसमें खास कर साफ़ सफाई रखनी है कि इसे इस पर देखेंगे कि कुछ धूल आ जाती है, धूल बैठ जाती हैं, तो इसको जो है इसको साफ़ जितने अच्छे आप साफ़ करेंगे उतना ही अच्छा जो है ये वर्क करेगा, उतने अच्छी धूप में हमको उतने अच्छे परफॉर्मेंस देगा। तो हम आपको दिखाएंगे एक पैनल जो है कितने वाट का है। आप मैं इसके पीछे जो स्लिप लगी हुई है मैं आपको स्लिप दिखाने की कोशिश करूँगा, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने वाट बिजली उत्पन्न कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये स्लिप लगी हुई है विक्रम सोलर कंपनी का है। आप देखेंगे यहाँ पे ये 450 वाट का एक पैनल जो है 450 वाट उत्पन्न कर रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं 32 पैनल कितना जो है बिजली उत्पन्न कर रहा है। ये देखिए आप पूरा, आपको मैं एकदम बारीकी से इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख भी लीजिए। और ये प्रोजेक्ट आप जो किसान भाई सोच रहे हैं कि ये चक्की चलाने के लिए और जो है जैसे पानी हो गया, समरसेबल हो गया है, ये सब चलाने के लिए बहुत ही कारगर साबित है। इसमें जो है खर्च तो एक बार लगाना पड़ेगा, ये 7-8 लाख का प्रोजेक्ट पड़ा है जो कि 32 पैनल लगे हैं, एक पैनल 450 वाट का है। तो इन्होंने सबसे पहले जब डीजल की बढ़त को देखते हुए इन्होंने सोचा कि अगर हम क्यों ना अगर ये लगा लेंगे, अगर सक्सेस हो जाएगा तो हम तो हमारा जो है ना तो पोल्यूशन होगा और सबसे अच्छा हमारी जो है एक बार करीब 2-3 साल लगेंगे हमको अपना पैसा अदा करने में, उसके बाद सब कुछ फ्री हो जाएगा। उसके बाद जब तक ये चलाना है तब तक हमको कोई भी रुपए नहीं लगेंगे, हमारे खर्च भी नहीं आएगा। तो इस हिसाब को देखते हुए उन्होंने ये प्रोजेक्ट लगवाया है। किसान भाइयों, आज तो मैं आपको इस पैनल की सारी चीज़ों का दिखा दिया और मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जो कि दोपहर के टाइम मैं आके दिखाऊंगा कि इनका पैनल जो है जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से इनकी सारी मशीनें चल रही हैं एकदम आसानी से चल रही हैं, तो मैं पूरा दिखाऊँगा आपको। और देखें, आप देख सकते हैं, आप गिन भी सकते हैं कितने पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे, और ऊपर तो वहाँ पे बहुत ही ऊपर लगा हुआ है, वहाँ पे मैं नहीं जा सकता हूँ। आप देख रहे हैं जो कि वो बहुत ही ऊपर लगा हुआ है। इस हिसाब से किसान भाइयों जो किसान लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
जो किसान लगवाए हैं वो बता रहे थे कि ये बहुत ही आसानी के साथ चलता है और ना ही इसमें कोई रिस्क है ना तो कोई ख़तरा है। आप जितनी अच्छी धूप रहती है उतना अच्छा चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि धूप नहीं रहती है, तो धूप ना रहने के कारण इसमें क्या है, जैसे अगर जितने पैनल लगे हुए हैं अगर धूप नहीं रहती है तो आप उसमें जैसे इनके पास जैसे 15 HP का मोटर है तो उसको ना चला के 7 HP का मोटर जो है चला देते हैं। उससे जो है सिर्फ एक ही काम करें, जैसे कि तेल पेरना है तो तेल पेरें और अगर पिसाई करनी है तो पिसाई करें। तो इससे क्या होगा, जैसे कभी कभी होता है ठंडियों में किसान भाई बोलते हैं कि जो ठंडी में सोलर पैनल वर्क नहीं करता, ठंडियों में भी वर्क करेगा लेकिन एक ही सिंगल पे ही वर्क करेगा। तो इस हिसाब से आप ठंडियों में भी इसका आनंद ले सकते हैं और मज़ा उठा सकते हैं, पूरा आप इसका पूरा पैसा वसूल कर सकते हैं। इस हिसाब से आप ठंडियों में एकदम निश्चिंत होकर भी, जैसे क्या होता है गर्मी में, क्या है गर्मी में एक साथ 2-3 चीज़ जो भी चलाना चाहते हैं सब कुछ चल जाएगा आसानी से। और गर्मियों में ठंडियों में ठंडी में सिर्फ अगर आप सुबह के टाइम जैसे 8-10 बजे के बाद जैसे रहता है कोहरा पड़ गया, बादल हो गए, तो इस कारण से आप एक सिंगल पे चला सकते हैं, नहीं तो आप जो है जब धूप अच्छी हुआ तो डबल भी चला सकते हैं। किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में आपको जो है जो इनका प्रोजेक्ट है लेके चलूँगा, दिखाऊँगा कि जो है किस हिसाब से चल रहा है, तो उस टाइम से आपको दिखाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा इनका प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।